Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And we are discussing nowadays theories of motivation, in which today I will discuss Elderfer's ERG theory of motivation. Here E stands for existence, R for relatedness, and G for growth. And the lecture will be in bilingual mode, and various questions have been asked from the theories of motivation, hence it is important too. And do subscribe my channel. So let's start. हम लोग बात कर रहे हैं अभी प्रेरणा के सिद्धांतों की, जिसमें से हम लोगों ने मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ ली है. देखिए, जितनी भी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आप इसके बाद पढ़ेंगे मैस्लो के बाद, वो सभी मैस्लो से प्रेरित हैं, या उसी से उन्होंने लिया है, या उसी का कंडेंसेशन है, या उसी का एक्सपेंशन है. तो मैस्लो इसलिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी था, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बट और भी पता होनी चाहिए. खासतौर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो किसी से भी प्रश्न बन सकता है, इवन सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकते हैं डिस्कस इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, तो आपको मैस्लो के अलावा बाकी भी बतानी पड़ेंगे. तो मैस्लो के बाद टर्न आता है, नंबर आता है, क्रम आता है एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी का. कौन है ये एल्डरफर, क्या थ्योरी दी इन्होंने? क्लेटन पी एल्डरफर पूरा नाम है इनका. ERG theory from 1969 condenses Maslow's five human needs into three categories: existence, relatedness and growth. मतलब कि मैस्लो की जो पांच ह्यूमन नीड्स थी, जो फिजियोलॉजिकल से शुरू होकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा रही थी, उसी को कंडेंस्ड कर दिया इन्होंने, कंडेंस संघनित रूप उसका कर दिया, और नाम दे दिया ERG, जहां E का मतलब एग्जिस्टेंस से है, R का रिलेटेडनेस से, और G का ग्रोथ से. अभी हम आगे समझ जाएंगे. एग्जिस्टेंस मतलब इंक्लूड ऑल मेटीरियल एंड फिजियोलॉजिकल डिजायर्स, मतलब जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हो, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, तो ये किसके समकक्ष हो जाएगा? ये वही आपका फूड, वाटर, शेल्टर, एयर, रोटी, कपड़ा, मकान. पर इन्होंने फिजिकल लव एंड अफेक्शन भी ले लिया है. तो मैस्लो के पहले दो लेवल, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड, इन्होंने ले लिए हैं. फिर उसके बाद रिलेटेड, नेक्स्ट जो डायग्राम आप देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा. रिलेटेडनेस नीड्स में क्या कह रहे हैं? इनकम्पास सोशल एंड एक्सटर्नल स्टीम, रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स. दिस ऑल्सो मीन्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड फीलिंग सिक्योर एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और फैमिली, मैस्लोस थर्ड एंड फोर्थ लेवल. तो पहले दूसरे को इन्होंने एग्जिस्टेंस नीड कहा, तीसरा चौथा था क्या? पहला हो गया फिजियोलॉजिकल, दूसरा हो गया आपका सेफ्टी, फिर आपका था लव एंड बिलोंगिंग, मतलब सोशल नीड्स और सेल्फ एस्टीम नीड्स. तो सोशल और सेल्फ एस्टीम का पोर्शन ले लिया इन्होंने और बना दिया उसको रिलेटेडनेस, मतलब हम रिलेट कर सकते हैं अपने आप को किससे? ग्रुप से, जो हमारा पीयर ग्रुप है, जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारी कम्युनिटी है. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको रिलेट करने के लिए आवश्यकता है. पहली आवश्यकता उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, दूसरी आवश्यकता हम अपने आप को किसी ग्रुप से रिलेट कर सके उसके लिए जरूरी है, और इन्होंने तीसरे और चौथे लेवल को लिया. फिर ग्रोथ नीड्स में ये फिर ले रहे हैं एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि एस्टीम का पोर्शन दोनों ग्रुप में कॉमन है. रिलेटेडनेस में भी एस्टीम आ रही है और आपकी ग्रोथ में भी आ रही है. इंटरनल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दीज इंपेल अ पर्सन टू मेक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव इफेक्ट्स ऑन हिमसेल्फ एंड ऑन द एनवायरमेंट. Example, to progress towards one ideal self. यही बात self actualization में हुई थी कि हम अपना best output पा सकें, हम जो best हैं वो हम में से निकल कर आए, हम creative बने, innovative बने, productive बने, यही self actualization में बात आ रही थी. तो self actualization तो है ही, plus esteem का भी portion मिलाकर growth बनाया है किसने? Elderfer ने. और इन्होंने चौथे और पांचवे level को लिया, लिख लिया ना Maslow's fourth and fifth levels. This includes desires to be creative and productive and to complete meaningful tasks. ठीक है, अब आप देखिए आपको डायग्राम से सारा समझ में आ जाएगा. ERG theory was developed by American psychologist Clayton Elderfer between 1961 and 1978. The ERG theory is a motivational model based on Maslow's hierarchy of needs. Maslow की hierarchy पर ही ये निर्भर करता है, उसी पर बना है, उसी पर आधारित है. The ERG theory is based on acronym of three groups of core needs: existence, relatedness, and growth. अब ये जो है फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, लव बिलोंगिंग जिसको सोशल भी कह रहे थे, फिर एस्टीम है, और फिर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. तो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी पहले दूसरे को तो मिला के एग्जिस्टेंस कर दिया है, लेकिन तीसरे चौथे को मिला के रिलेटेडनेस है, और चौथे पांचवे को मिला के ग्रोथ है. यानी कि जो चौथा है, सॉरी हाँ, जो एस्टीम है वो कॉमन है रिलेटेडनेस में भी और ग्रोथ में भी. ये कंसेप्ट है एल्डरफर का. ठीक, अब डिफरेंस बिटवीन एल्डरफर्स एंड मैस्लोस थ्योरी. अब ठीक है, उन्होंने भी यही बात की, इन्होंने भी यही बात की, तो अंतर क्या है दोनों में? क्यों अलग अलग पढ़ी जा रही है दोनों थ्योरीज? ये कह रहे हैं अ लोअर लेवल नीड डज नॉट हैव टू बी ग्रेटिफाइड,
that is, a person may satisfy a need at hand whether or not a previous need has been satisfied. मैस्लो क्या कह रहे थे कि पहली नीड ग्रेटिफाई होती है तभी दूसरी नीड पे जाता है, लेकिन एल्डरफर ने कहा है लोअर लेवल नीड डज नॉट हैव टू बी ग्रेटिफाइड. जरूरी नहीं है कि हमारी एग्जिस्टेंस नीड ग्रेटिफाई हो जाएगी तभी हम रिलेटेडनेस पे जाएंगे, रिलेटेडनेस हो जाएगी तभी ग्रोथ पे जाएंगे, जबकि मैस्लो ऐसा कह रहे हैं. क्रमवार हायरार्की, ये हायरार्की की बात नहीं कर रहे. इफ अ रिलेटिवली मोर सिग्निफिकेंट नीड इज नॉट ग्रेटिफाइड द डिजायर टू ग्रेटिफाई अ लेसर नीड विल बी इंक्रीज्ड. ऐसी बात मैस्लो नहीं कर रहे थे. ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी ऊपर वाली नीड नहीं ग्रेटिफाई हो रही है, हम उसको नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, जैसे हम रिलेट एग्जिस्टेंस में है लेकिन हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को ग्रुप से, तो क्या होता है कि हम वापस नीचे वाले लेवल पे आ जाते हैं. द डिजायर टू ग्रेटिफाई अ लेसर नीड विल बी इंक्रीज्ड. हमारी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि हम लेसर नीड को ग्रेटिफाई कर सकें. ऐसी बात मैस्लो नहीं कर रहे हैं. ये कह रहे हैं दैट इज द फ्रस्ट्रेशन इन मीटिंग हायर ऑर्डर नीड्स माइट लीड अ पर्सन टू रिग्रेस टू ए मोर कंक्रीट नीड कैटेगरी. इसी को फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन भी कहते हैं. आगे चल के आपको पता चलेगा. कह रहे हैं कि जब हमको ऊपर की नीड हम नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं फुलफिल कर पाते हैं, उसको नहीं पूरा कर पाते हैं, तो हमारे में फ्रस्ट्रेशन होता है और हम रिग्रेस करते हैं, यानी कि वापस लौटते हैं किस पे, निचले लेवल पे. ऐसी बात मैस्लो ने नहीं की थी. फिर एल्डरफोर्ड्स ईआरजी थ्योरी अलाउज द ऑर्डर ऑफ द नीड्स टू डिफर फॉर डिफरेंट पीपल. मतलब इन्होंने ऑर्डर भी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी बात कही इन्होंने एल्डरफर ने, जबकि मैस्लो कह रहे हैं नहीं, हायरार्की सेट है, एवरीबॉडी हैज टू क्रॉस फिजियोलॉजिकल देन बिलोंगिंग देन सेफ्टी देन सोशल देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके, तो इट अकाउंट्स फॉर दिस स्टार्विंग आर्टिस्ट हु मे प्लेस ग्रोथ नीड्स अबव एग्जिस्टेंस वंस. कह रहे हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट है, उसको भूख है अपने कला के लिए, तो वो उसकी ग्रोथ नीड उसके लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगी बजाय कि उसकी एग्जिस्टेंस. फिर ईआरजी थ्योरी स्टेट्स दैट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेशनल. जबकि मैस्लो क्या कह रहे हैं, जब फिजियोलॉजिकल है तो बिलोंगिंग नहीं, जब बिलोंगिंग है तो एस्टीम नहीं, जब एस्टीम है तो ग्रोथ नहीं, ऐसी बात नहीं. वो कह रहे हैं कि एक समय में एक से ज्यादा नीड भी ऑपरेशनल हो सकती है, संक्रियात्मक हो सकती है. तो ये बेसिक अंतर एल्डरफर और मैस्लो की थ्योरी के अप्रोच में है, जबकि नीड्स लगभग उन्होंने सेम ही दी, बस उसी का कंडेंसेशन है. ये खास बात है जो एल्डरफर ने की. रिलेशनशिप्स बिटवीन एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इनकी जो ईआरजी थ्योरी की कॉन्सेप्ट्स है उनमें आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है. तो तीन हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन और सेटिस्फेक्शन स्ट्रेंथनिंग. सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन तो ठीक है कि हम सेटिस्फाई करते हैं तो प्रोग्रेस करते हैं, मतलब मूविंग अप टू अ हायर लेवल नीड्स बेस्ड ऑन सेटिस्फाइंग नीड्स. हम ऊपर वाले लेवल पे तभी जाएंगे जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे अपनी नीड्स. यहाँ तो कॉमन है. विद मैस्लो सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. यही बात मैस्लो भी कह रहे हैं, इंडिविजुअल्स मूव अप द नीड हायरार्की एज अ रिजल्ट ऑफ सेटिस्फाइंग लोअर ऑर्डर नीड्स. मतलब जब नीचे वाली नीड हम सेटिस्फाई कर लेते हैं तो ऊपर वाली नीड पे जाते हैं. इन एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी दिस इज नॉट नेसेसरी सो, जबकि एल्डरफर ऐसा नहीं कह रहे हैं. फिर फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, ये एकदम यूनिक कंसेप्ट है एल्डरफर का, और ये बहुत इसका इम्प्लीकेशन भी है कि इफ अ हायर लेवल नीड रिमेन्स अनफुलफिल्ड, यदि ऊपर की नीड हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ए पर्सन में रिग्रेस टू लोअर लेवल, तो जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, वो लोअर लेवल की नीड को पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत और कंपेल हो जाता है, बहुत इम्पल्सिव हो जाता है. इट सजेस्ट दैट एन ऑलरेडी सेटिस्फाइड नीड कैन बिकम एक्टिव एंड ए हायर नीड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. यानी कि नीड हमारी एग्जिस्टेंस नीड हम सेटिस्फाई कर चुके हैं, हम रिलेटेडनेस नीड पे जा रहे थे पर रिलेटेडनेस नीड हमारी नहीं हो पा रही, मतलब हमें एक्सेप्टेंस नहीं, ग्रुप में रिजेक्शन है, सब है, तो क्या करेगा वो, वापस से एग्जिस्टेंस नीड में जाना चाहेगा. फिर सेटिस्फेक्शन स्ट्रेंथनिंग, इटरेटिवली स्ट्रेंथनिंग ए करंट लेवल ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स. मतलब कि सेटिस्फेक्शन स्ट्रेंथनिंग इंडिकेट्स दैट एन ऑलरेडी सेटिस्फाइड नीड कैन मेंटेन सेटिस्फेक्शन. यानी कि अगर हमारी वो नीड सेटिस्फाई हो गई है तो वो मेंटेन रखती है अपना सेटिस्फेक्शन और स्ट्रेंथन लोअर लेवल नीड्स इटरेटिवली व्हेन इट फेल्स टू ग्रेटिफाई हायर लेवल नीड्स. तो अगर हम ऊपर वाली नीड पे नहीं जा पाते तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली नीड को और स्ट्रेंथन करते हैं. ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट, सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन जिसकी मैस्लो बात करें, ईआरजीएम एल्डरफर ने कहा कि जरूरी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन जिसकी बात सिर्फ और सिर्फ एल्डरफर कर रहे हैं, और सेटिस्फेक्शन स्ट्रेंथनिंग तो भी उसी तरीके से मिलता जुलता है कि नीचे वाली जो नीड है, जो लोअर नीड है, वो ज्यादा स्ट्रेंथन होती है अगर हम ऊपर वाली नीड पर नहीं जा पाते हैं तो. फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि थेरीज ऑफ मोटिवेशन मैनेजमेंट में ज्यादा पढ़ाया जाता है. क्यों? क्योंकि वहां हमको एम्प्लॉयज का मोटिवेशन देखना है कि वो वर्क प्लेस पे बेटर परफॉर्म करें.
है ना, तो मैनेजर्स कैसे उनको मोटिवेट रखें। लेकिन हम इसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं कि टीचर कैसे मोटिवेट रखे स्टूडेंट को। तो टीचर कैसे मोटिवेट रखे, एल्डरफोर्स थ्योरी इंट्रोड्यूसेस द नोशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। हमको पता है एज अ टीचर आप जानते हैं कि अगर हमारी अपर लेवल की नीड फुलफिल नहीं होगी तो लोअर लेवल की नीड पे बच्चा चला जाएगा। तो इसका मतलब हमको बच्चे को स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में नहीं लाना है, नहीं तो क्या होगा, वो रिग्रेस करेगा। यही कह रहा है ना, नोशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन इज ए बैरियर टू मोटिवेशन एंड अचीवमेंट, है ना, यानी कि अभिप्रेरणा और निष्पत्ति में ये बाधा उत्पन्न करता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। द होल पॉइंट इज टू मोटिवेट द टीम मेंबर्स एंड अवॉइड द सिनेरियो वेयर द फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल स्टार्ट्स टू सेट इन। हमको ये मौका ही नहीं देना है कि फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल वर्क करे। फ्रस्ट्रेशन हैपेंस व्हेन पीपल वांट टू सेटिस्फाई अ नीड बट कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड दैट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। बच्चा है क्लास, उसकी भूख प्यास सेफ्टी ये सारी नीड पूरी हो चुकी है, लेकिन उसको ग्रुप में रिजेक्शन है, ग्रुप में उसको एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो क्या करेगा, दिस कैन लीड टू ओवर फोकसिंग ऑन द नीड। मतलब वो फिर से वो एग्जिस्टेंस वाली नीड पे ओवर फोकस करने लगेगा। जैसे कि स्टूडेंट नीड्स अटेंशन एंड इंटरेक्शन, उसको अटेंशन चाहिए इंटरेक्शन चाहिए, लेकिन उसको क्या कहा जा रहा है, बट इज टोल्ड टू बी क्वाइट इन क्लास, कीप क्वाइट आप उसको क्लास में कह रहे हैं, तो क्या होगा, बींग फोर्स टू बी साइलेंट मेक्स द नीड फॉर सोशलाइजिंग इवन लॉन्गर। वो और तेजी से उसका इच्छा करेगी कि वो सोशलाइज करे, वो और फोर्सफुल होगा, या वो बार बार वॉशरूम जाएगा, बार बार उसको कहेगा कि भूख लगी है, क्यों, क्योंकि एग्जिस्टेंस नीड पर वो ज्यादा फोकस करने लगेगा फिर। As teachers, we need to be able to look at our students and determine ways to motivate them to succeed. तो हमको क्या करना है as a teacher? कि हम देखें student को किस level पे है, किस need पे है, कौन सी fulfill हो गई, कौन सी रह गई, frustration ना हो, regression ना हो, और हम उसको motivate करते रहें। This theory is more consistent with our knowledge of individual differences among students. और जो हम मान के चलते हैं psychology में कि there is individual differences between our students, उसको ये और उसको बल देती है, उसको सही ठहराती है कि हाँ, क्यों, क्योंकि एल्डर फर कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और एक समय में एक से ज्यादा नीड्स भी ऑपरेशनल रह सकती हैं। ओके, तो एल्डर फर की ईआरजी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई आपकी और आसान है। अगर आपको मैस्लो आ गई है तो आपको एल्डर फर भी आ जाएगी। हमको इसमें बस हमको याद रखना है कि पहला दूसरा मिला के एग्जिस्टेंस, तीसरा चौथा मिला के रिलेटेडनेस, और चौथा पांचवा मिला के ग्रोथ नीड बनी है, और इसकी हायरार्की सेट नहीं है, ऑर्डर वेरी कर सकता है, फ्रस्ट्रेट होगा व्यक्ति तो नीचे वाली लेवल पे जाएगा, जो कि हमको नहीं होने देना है क्लासरूम में भी, और एम्प्लॉयर्स अपने वर्क प्लेस पे भी ऐसा ना होने दें। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।